स्टूडेंट, ओब्लिप्रेप्स में आप सभी लोगों का स्वागत है। जैसा कि आप जान रहे हैं, इसमें हम लोग प्राचीन भारत का इतिहास पढ़ रहे हैं और प्राचीन भारत के इतिहास में सिंधु घाटी सभ्यता या इसके पहले प्रागैतिहासिक काल सिंधु घाटी की सभ्यता से आगे बढ़ते हुए इस समय हम लोग वैदिक सभ्यता में वैदिक साहित्य के अंतर्गत पहला तथ्य या पहला जो विषय था वेद। पिछले वीडियोज में हमने आपको यजुर्वेद के संदर्भ में, उसके पीछे ऋग्वेद, और आज हम जिस विषय वस्तु या वेद का तीसरा वेद सामवेद की चर्चा करेंगे। पिछले वीडियोज में आप यजुर्वेद के संदर्भ में वनडे गेम या एक दूसरी परीक्षाओं को ध्यान में रखते हुए जितने भी चीजें या जितने भी सवाल निकलते हैं, सभी सवालों का खुलासा ठीक ढंग से कर दिया गया है। आप उसे देखें और परोक्षोपयोगी चीजों को आत्मसात कर सफल हों। ये ओब्लिप्रेप्स का बहुत बड़ा सौगात है और आज हम बात करेंगे सामवेद, वैदिक सभ्यता सामवेद। सामवेद, साम शब्द का अर्थ है संगीत। सामवेद, साम शब्द का अर्थ है संगीत। चारों वेदों में सामवेद एकमात्र ऐसा वेद है, जैसा कि आप चारों वेद जान रहे हैं, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद आज आप पढ़ रहे हैं। चारों वेदों में सामवेद एकमात्र ऐसा वेद है जिसकी ऐतिहासिक महत्ता बहुत कम है, जिसकी ऐतिहासिक महत्ता बहुत कम है। इस वेद में कुल मंत्रों की संख्या 1549 बतलाई गई है। इस वेद में कुल मंत्रों की संख्या 1549 तो बतलाई गई है, लेकिन सामवेद के जो मूल मंत्र है उनकी संख्या मात्र 75 ही है। शेष ऋग्वेद से अर्जित किए गए हैं या लिए गए हैं, जिसकी वजह से इस वेद की ऐतिहासिक महत्ता बहुत कम है। तात्पर्य ये कि सामवेद में कुल मंत्रों की संख्या 1549 है, लेकिन इनके अपने मूल मंत्र 75 ही है, शेष ऋग्वेद से अर्जित किए गए हैं या प्राप्त किए गए हैं। यही वजह है कि सामवेद की ऐतिहासिक महत्ता बहुत कम है, यह एकमात्र वेद है। अच्छा, आप इस बात को अच्छी तरह समझ गए होंगे, साम शब्द का अर्थ है संगीत। सामवेद में है क्या चीज? सामवेद में गाए जाने योग्य मंत्रों का संकलन किया गया है। सामवेद में गाए जाने योग्य मंत्रों का संकलन किया गया है और उन मंत्रों को संकलन करने वाला या उन मंत्रों को उच्चारित करने वाले पुरोहित को क्या कहा गया है सामवेद में? उद्गाता। सामवेद में गाए जाने योग्य मंत्रों का संकलन किया गया है, उन मंत्रों को उच्चारित करने का अधिकार या श्रेय पुरोहित को, और सामवेद में पुरोहित को उद्गाता नाम से संबोधित किया गया है। भारतीय शास्त्रीय संगीत का मूल ग्रंथ सामवेद को भारतीय शास्त्रीय संगीत का मूल ग्रंथ भी कहा जाता है। सप्त स्वरों का उल्लेख सारे ग म प ध नि, सप्त स्वरों का उल्लेख भी हमें किस वेद में मिलता है? सामवेद में ही मिलता है। सामवेद की तीन शाखाएं बतलाई गई हैं। आपसे पूछा जा सकता है कि इस वेद की, जैसा कि इसके पहले भी ऋग्वेद की कितनी शाखाएं हैं,
यजुर्वेद की कितनी शाखाएं हैं, उसी तरह से सामवेद की कितनी शाखाएं आपको बतलाई गई हैं, तीन। एक का नाम है कौथुम, दूसरे का नाम है राणानी और तीसरे का नाम है जैमिनी। यानी कौथुम, राणानी और जैमिनी, यह सामवेद की तीन शाखाएं। जिस तरह से ऋग्वेद में, जिस तरह से यजुर्वेद में ब्राह्मण ग्रंथ हुआ करते थे, ठीक उसी तरह से सामवेद के भी अपने ब्राह्मण ग्रंथ हैं। सामवेद के दो ब्राह्मण ग्रंथ बतलाए गए हैं, एक का नाम है तांडव ब्राह्मण और दूसरे का नाम है जैमिनी ब्राह्मण। सामवेद के दो ब्राह्मण ग्रंथ, एक का नाम है तांडव ब्राह्मण और दूसरे का नाम है जैमिनीय ब्राह्मण। ऋग्वेद और यजुर्वेद के अनुरूप सामवेद के भी अपने आरण्यक, बहुत पहले मैं आपको स्पष्ट कर चुका हूं कि आरण्यक का मतलब होता है जंगल, यानी ऋषि मुनि महर्षि। नगर गांव से दूर हटकर जंगल में जाकर के सामवेद का आरण्यक, जैमिनी आरण्यक और छांदोग्य आरण्यक। सामवेद के दो आरण्यक, जैमिनी आरण्यक और छांदोग्य आरण्यक। पिछले वेदों के ब्राह्मण के अनुरूप सामवेद के भी अपने अपने ब्राह्मण ग्रंथ हो गए, आरण्यक ग्रंथ हो गए। सामवेद के अपने उपनिषद भी हैं। सामवेद के प्रमुख रूप से तीन उपनिषद, छांदोग्य उपनिषद, सामवेद के तीन उपनिषद छांदोग्य उपनिषद, दूसरा है जैमिनी उपनिषद और तीसरा है केन उपनिषद। ध्यान दीजिएगा, छांदोग्य उपनिषद वनडे गेम या एक दिवसीय परीक्षाओं के लिए विशेष रूप से इंपॉर्टेंट है। छांदोग्य उपनिषद में कही गई बातें वनडे गेम या एक दिवसीय परीक्षाएं जो विशेष रूप से होती हैं, उनमें यह पूछा जाता है कि छांदोग्य उपनिषद में किस बात का उल्लेख या किस बात की चर्चा विशेष रूप से की गई है। आइए हम छांदोग्य उपनिषद के संदर्भ में विशेष रूप से जानकारी हासिल ये मान करके करें कि किन किन रूप में या किस आधार पर प्रश्न पूछे जा रहे हैं। छांदोग्य उपनिषद पहला कॉन्सेप्ट, उपनिषदों में सबसे प्राचीन या पुराना उपनिषद। पहली बात तो यह ध्यान रखेंगे आप, छांदोग्य उपनिषद सामवेद का उपनिषद है। छांदोग्य उपनिषद सबसे प्राचीन या पुराना उपनिषद है, पहली बात हो गई सबसे प्राचीन या पुराना। आपसे पूछा जाएगा कि छांदोग्य उपनिषद में किन किन बातों का उल्लेख या जिक्र किया गया है। देवकी पुत्र कृष्ण का उल्लेख सबसे पहली बार, देवकी पुत्र कृष्ण का उल्लेख सबसे पहली बार छांदोग्य उपनिषद में हमें मिलता है। इसके अलावा छांदोग्य उपनिषद में आप जानते होंगे आश्रम का उल्लेख, यानी प्रारंभ के जितने आश्रम थे उनका उल्लेख हमें छांदोग्य उपनिषद में मिलता है। प्रारंभ के आश्रम यानी शुरुआती दौर के आश्रम, जैसा कि आप जानते हैं आश्रम चार बतलाए गए हैं, ब्रह्मचर्य आश्रम, गृहस्थ आश्रम और वानप्रस्थ आश्रम। यानी इन तीनों आश्रमों का उल्लेख या जिक्र छांदोग्य उपनिषद में सबसे पहली बार दिखता है या वर्णन किया गया है। इसके अलावा छांदोग्य उपनिषद में आरुणि और उद्दालक, सबसे इंपॉर्टेंट टॉप 10 की वनडे गेम की परीक्षाओं के लिए, छांदोग्य उपनिषद में आरुणि व उद्दालक और इनके पुत्र सेतुकेतु, आरुणि उद्दालक व इनके पुत्र श्वेतकेतु के बीच
जो डिस्कस हुआ है या जो संवाद किया गया है, जो डिस्कस किया गया है या जो बहस की गई है, उस डिस्कशन का विषय वस्तु क्या था, ये आपसे पूछा जाएगा। सवाल कैसे उभरता है? आरुणी उद्दालक व श्वेत केतु के मध्य, आरुणी उद्दालक व श्वेत केतु के मध्य किस उपनिषद में चर्चा या डिस्कस किया गया है? छांदोग्य उपनिषद, नंबर एक क्वेश्चन। और नंबर दो दूसरा क्वेश्चन इस तरह से बनता है कि छांदोग्य उपनिषद में आरुणी उद्दालक व उनके पुत्र श्वेत केतु के बीच किस विषय वस्तु पर चर्चा या डिस्कस किया गया है? वह विषय वस्तु था आत्मा एवं ब्रह्म की अभिन्नता के विषय में। आत्मा व ब्रह्म की अभिन्नता के विषय में आरुणी उद्दालक व श्वेत केतु के बीच डिस्कस या चर्चा की गई है, और ये सारी चीजें हमें छांदोग्य उपनिषद में मिलता है। सामवेद का दूसरा उपनिषद जैमिनी उपनिषद है। सामवेद का तीसरा उपनिषद केन उपनिषद के नाम से जाना जाता है। तो बच्चों, ये रहा आपका वैदिक सभ्यता के अंतर्गत तीसरा वेद, और तीसरा वेद था सामवेद। संक्षिप्त तौर पर मैं रिवीजन कर दे रहा हूं, सारी चीजें आपके सामने स्पष्ट रूप से लिखी गई है। साम शब्द का अर्थ है संगीत। सामवेद इन तीनों वेदों में एकमात्र ऐसा वेद है जिसकी ऐतिहासिक महत्ता सबसे कम है। ऐतिहासिक महत्ता सबसे कम होने का सबसे बड़ा रीजन कि इसमें मंत्रों की संख्या तो 1549 बतलाई गई है, लेकिन इनके जो मूल मंत्र हैं 75 ही हैं, शेष ऋग्वेद से अर्जित किए गए हैं। यही वजह है कि सामवेद की ऐतिहासिक महत्ता सबसे कम है। सामवेद में गाए जाने योग्य मंत्रों का संकलन किया गया है, और इन गाए जाने योग्य मंत्रों का संकलन करने वाले पुरोहित को उद्गाता के नाम से जाना जाता है। भारतीय शास्त्रीय संगीत का मूल ग्रंथ किसको माना गया है? सामवेद को। बच्चों, ठीक इसी तरह से आपके सवाल उभरेंगे। सप्त स्वरों का उल्लेख, सप्त स्वरों से तात्पर्य है सारे ग म इत्यादि, सप्त स्वरों का उल्लेख सामवेद में दिखता है। सामवेद की तीन शाखाएं कौथुम, राणा नहीं जैमिनी। सामवेद के ब्राह्मण ग्रंथ का नाम तांडव ब्राह्मण, जैमिनी ब्राह्मण। सामवेद का आरण्यक जैमिनी आरण्यक, छांदोग्य आरण्यक। सामवेद के उपनिषद छांदोग उपनिषद, छांदोग उपनिषद छोटी मोटी या एक दिवसीय परीक्षाओं में पूछा जाता है कि सबसे प्राचीन या सबसे पुराना उपनिषद छांदोग उपनिषद, ये लिखा गया है। सबसे प्राचीन व पुराना उपनिषद छांदोग उपनिषद, और छांदोग उपनिषद सामवेद का उपनिषद। छांदोग उपनिषद में देवकी पुत्र कृष्ण का पहली बार उल्लेख। छांदोग उपनिषद में प्रारंभिक आश्रम ब्रह्मचर्य, गृहस्थ आश्रम व वानप्रस्थ आश्रम का उल्लेख या जिक्र किया गया है। छांदोग उपनिषद में आरुणी उद्दालक व श्वेत केतु के मध्य ब्रह्म एवं आत्मा की अभिन्नता के विषय में डिस्कस या बातचीत की गई है। दूसरा उपनिषद जैमिनी उपनिषद, तीसरा उपनिषद केन उपनिषद। तो बच्चों, ए रहा सामवेद पर विशेष रूप से परिचर्चा।